बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.1 का पहले हम छठा और सातवां सवाल छोड़ रहे थे, आज मैं यही छठा और सातवां सवाल करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसके 3 पार्ट हैं। ए इज इक्वल टू ए आई जे 3x3, ये एक जनरल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ए आई जे, आई रो को ज़ाहिर करता है और जे कॉलम को ज़ाहिर करता है। आई और जे ये दोनों इंडेक्सेस कहलाते हैं। हमने 3x3 की कोई मैट्रिक्स लेनी है, पहले तो हम 3x3 की कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं, जनरल मैट्रिक्स। A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ये है 3x3 की जनरल मैट्रिक्स। अब इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखें, उसके ये प्रूव करवाना है हमने, लैम्डा इनटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इनटू ए। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड यही है लैम्डा इनटू म्यू ए, लैम्डा इनटू डालें म्यू, इधर ए की मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, 22, A23, फिर A31, 32, 33। देखें छोटी ब्रैकेट बंद है तो इधर इसको क्लोज कर देंगे हम। लैम्डा को मल्टीप्लाई करवाएं, सॉरी म्यू को, लैम्डा भी रहने देंगे, छोटी ब्रैकेट भी। ये आएगा म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33, छोटी ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब लैम्डा को ज़रब कराना है हमने छोटी ब्रैकेट के साथ, इस तरीके से लैम्डा इनटू म्यू A11, लैम्डा इनटू म्यू A21, सॉरी 12, पहली रो है दूसरा कॉलम है, लैम्डा इनटू म्यू A13, फिर इसके बाद आएगा लैम्डा इनटू म्यू A21, लैम्डा इनटू म्यू A22, लैम्डा इनटू म्यू A23, लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू A32, लैम्डा म्यू A33। ये है हमारे पास, लैम्डा को अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब नेक्स्ट देखें, स्केलर्स हैं, लैम्डा और म्यू को स्केलर हैं, हम इनको एसोसिएटिव लॉ के तहत इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा म्यू इनटू A11, लैम्डा म्यू इनटू A12, लैम्डा म्यू इनटू A13।
इसके बाद है लैम्डा म्यू ए टू वन, लैम्डा म्यू ए टू टू, लैम्डा म्यू ए टू थ्री। इसके बाद है लैम्डा म्यू ए थ्री वन, लैम्डा म्यू ए थ्री टू, लैम्डा म्यू ए थ्री थ्री। अब देखिए लैम्डा म्यू कांस्टेंट है, स्केलर है, इसको बाहर लिख देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है इसकी, लैम्डा म्यू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। अब ये आ गया लैम्डा म्यू ए। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड आ गई है, बराबर हो गएंगे, ये इक्वल हो गए लेफ्ट और राइट साइड। इसका सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है ये भी हमने प्रूव कराना है, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, हमने राइट हैंड साइड प्रूव करवा देनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे वो है लैम्डा प्लस म्यू ए, इधर उसी तरीके से लैम्डा प्लस म्यू ए जो मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं, ए वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, थ्री टू, ए थ्री थ्री। अब लैम्डा प्लस म्यू इकट्ठे ये एक ही नंबर है, ऐसे समझ लेंगे क्योंकि छोटी ब्रैकेट में है, इसको एक साथ ही मल्टीप्लाई कराना है हमने। लैम्डा प्लस म्यू ए वन वन, लैम्डा प्लस म्यू ए वन टू, लैम्डा प्लस म्यू ए वन थ्री, लैम्डा प्लस म्यू ए टू वन, लैम्डा प्लस म्यू ए टू टू, लैम्डा प्लस म्यू ए टू थ्री, लैम्डा प्लस म्यू ए थ्री वन, लैम्डा प्लस म्यू थ्री टू, लैम्डा प्लस म्यू ए थ्री थ्री। अब इनको अलग अलग, ए वन वन को लैम्डा के साथ अलग, म्यू के साथ अलग मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। यह आएगा लैम्डा ए वन वन प्लस म्यू ए वन वन, लैम्डा ए वन टू प्लस म्यू ए वन टू, लैम्डा ए वन थ्री प्लस म्यू ए वन थ्री। इसी तरीके से लैम्डा ए टू वन, म्यू ए टू वन, लैम्डा ए टू टू प्लस म्यू ए टू टू, लैम्डा ए टू थ्री प्लस
म्यू ए टू थ्री, अब फिर ये आ जाएगा लैम्डा ए थ्री वन प्लस म्यू ए थ्री वन लैम्डा ए थ्री टू प्लस म्यू ए थ्री टू लैम्डा ए थ्री थ्री प्लस म्यू ए थ्री थ्री। अब कोई एलिमेंट अगर एडिशन की सूरत में होगा तो हम उसको सेपरेट मैट्रिसेस के तौर पे लिख सकते हैं। इस तरीके से यही लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। मैंने ये पहले वाले जो एलिमेंट हैं ये वाले इनको पहले लिखता जा रहा हूँ, लैम्डा ए वन वन लैम्डा ए वन टू लैम्डा ए वन थ्री लैम्डा ए टू वन लैम्डा ए टू टू लैम्डा ए टू थ्री लैम्डा ए थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री प्लस। अब ये दूसरे वाले म्यू ए वन वन म्यू ए वन टू म्यू ए वन वन म्यू ए वन टू म्यू ए वन थ्री म्यू ए टू वन म्यू ए टू टू म्यू ए टू थ्री म्यू ए थ्री वन थ्री टू म्यू ए थ्री थ्री। अब यहाँ से देखें लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे, यह आएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री प्लस म्यू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री टू वन टू 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 थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। अब देखें ये आ जाएगा लैम्डा ए प्लस म्यू ए, लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने, राइट हैंड साइड आ गई। ये प्रूफ हो गया। इसका तीसरा पार्ट है इसका तीसरा पार्ट है लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन इंटू ए। इसको हमने प्रूव कराना है। इसके भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लैम्डा ए माइनस ए लैम्डा ए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू ए थ्री थ्री माइनस ए। यही जो मैट्रिक्स ए है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन थ्री टू ए थ्री थ्री। अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे हर एक एलिमेंट के साथ, लैम्डा ए वन वन लैम्डा ए वन टू लैम्डा ए वन थ्री लैम्डा ए टू वन लैम्डा ए टू टू लैम्डा ए टू थ्री
लैम्डा ए 31, लैम्डा ए 32, लैम्डा ए 33 माइनस ए 11, ए 12, ए 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब इन दोनों को हमने नफी करना है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लैम्डा ए 11 माइनस ए 11, लैम्डा ए 12 माइनस ए 12, लैम्डा ए 13 माइनस ए 13। इसके बाद है लैम्डा ए 21 माइनस ए 21, लैम्डा ए 22 माइनस ए 22, लैम्डा ए 123 माइनस ए 23, लैम्डा ए 31 माइनस ए 31, लैम्डा ए 32 माइनस ए 32, लैम्डा ए 33 माइनस ए 33। अब यहाँ से हमने कॉमन निकालना है, ये वही लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। देखें इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, ए 11, ये जब कॉमन निकालेंगे लैम्डा एंड सॉरी लैम्डा माइनस 1 आएगा ए 11, फिर लैम्डा माइनस 1 ए 12, लैम्डा माइनस 1 ए 13, सिमिलरली लैम्डा माइनस 1 ए 21, लैम्डा माइनस 1 ए 22, लैम्डा माइनस 1 ए 23, लैम्डा माइनस 1 ए 31, लैम्डा माइनस 1 ए 32, लैम्डा माइनस 1 ए 33। अब लैम्डा माइनस 1 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, स्केलर है, कांस्टेंट है, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23। इसके बाद यहाँ से भी तीसरी रो से भी जब ये कॉमन आएगा ए 31, ए 32, ए 33, ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 ए। लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। ये छठा सवाल हो गया इसके तीनों पार्ट। इसके बाद सातवां सवाल बिल्कुल इसी कैटेगरी का है, वो भी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे उसने ए और बी दो मैट्रिसेस दी हैं, ए आई जे 2x3 और बी को मैट्रिक्स दी है बी आई जे 2x3। तो यहाँ भी वही शो दैट वाला सवाल है, यहाँ पे वो कहते हैं शो दैट, हमने शो करवाना है, शो दैट लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ये हमने शो करवाना है। पहले तो हम इसको जनरल मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे 2x3 की, ये ए आ जाएगा हमारे पास। अब 2x3 मतलब दो रोज 3 कॉलम हमने बनाने हैं, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23।
ये 2x3 की मैट्रिक्स बन गई। इधर B को भी उसी तरीके से B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये A और B दो मैट्रिसेस आ गई हैं हमारे पास। अब हम उसी सवाल की जो हमने प्रूव करना है, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, वो है लैम्डा इनटू ए प्लस बी। उसी तरीके से लैम्डा इनटू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री प्लस बी क्या है हमारे पास, B11, B12, B13, B21, B22, B23। इसको क्लोज कर दें। देखें जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, हमने उसको एज इट लिखना है। लैम्डा था, लैम्डा लिख दिया, एन टू था, हमने एन टू डाला, अंदर ए प्लस बी थे, हमने ए प्लस बी कर दिया, क्लोज कर दिया इनको। पहला काम छोटी ब्रैकेट में जो कुछ है, मतलब ये दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, हम उनको ऐड करेंगे। यह आ जाएगा लैम्डा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस का सम आ गया। अब हमने इसको लैम्डा को मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन ये छोटी ब्रैकेट भी है, इसको भी लिखना है अभी। अब ये जब लैम्डा अंदर जाएगा तो ये छोटी ब्रैकेट के साथ जाएगा, लैम्डा इनटू A11 प्लस B11, लैम्डा इनटू A12 प्लस B12, लैम्डा इनटू A13 प्लस B13। इसी तरीके से लैम्डा इनटू A21 प्लस B21, लैम्डा इनटू A22 प्लस B22, लैम्डा इनटू A23 प्लस B23। अब इस लैम्डा को हमने मल्टीप्लाई कराना है अलग अलग। यह आ जाएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, लैम्डा A12, लैम्डा B12, लैम्डा A13, लैम्डा B13। अब इसको लैम्डा A21, लैम्डा B21, लैम्डा A22, लैम्डा B22, फिर लैम्डा A23, लैम्डा B23। अब ये दो जमा की सूरत में हैं। पहले मैं लैम्डा वाले लिखता जाता हूँ, सॉरी ए वाले, उसके बाद फिर बी वाले। जैसे पहले अभी हमने एक सवाल किया था ऐसा, ये वही लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13 जमा लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23। इसके बाद है लैम्डा B11, लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, लैम्डा
B21, लैम्डा B22, लैम्डा B23। अब दोनों में लैम्डा कॉमन है, लैम्डा कॉमन निकालते हैं, A11, A12, A13, A ही आएगा, A21, 22, ये A21 है, A23, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन निकालेंगे, ये आएगा B11, B12, B13, B21, B22, B23। अब यहाँ से लैम्डा कॉमन ये सारा A, यहाँ से लैम्डा कॉमन ये सारा B, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की, ये हमने प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन रह गया, वो भी आज कर लेते हैं, वो भी प्रूव दैट वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट, यहां पे देखें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। और कॉस फाई 0, माइनस का साइन फाई, उसके बाद है 0 और 0 और साइन फाई 0 कॉस फाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस फाई 0 साइन फाई 0 1 0 माइनस और साइन फाई 0 और कॉस फाई। हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेम वही मेथड जो मल्टीप्लाई करने वाला है, पहली रो इधर पहला कॉलम और कॉस और ये कॉस और कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा, जमा 0 माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर फाई, फिर पहली रो 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर पहली रो तीसरा कॉलम और कॉस फाई साइन फाई, जमा 0 माइनस और कॉस फाई साइन फाई। अब इस रो की बारी है, 0 जमा 0 जमा 0, 0 जमा 0 जमा 0, ये थोड़ा सा मैं इसलिए खुला खुला करके लिख रहा हूँ ताकि रोज और कॉलम का कंसेप्ट भी बहाल रहे। अब फिर इसको 0 प्लस और प्लस 0 आ जाएगा, फिर ये 0 प्लस 0 प्लस 0। देखें रोज और कॉलम का ख्याल रखना है, अगर आप यहाँ पे छोटा छोटा करके 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख देते हैं, दूसरा यहाँ ना स्टार्ट कर देना, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, इन कॉलम का ख्याल रखें, एलिमेंट बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। ये आएगा और साइन फाई कॉस फाई जमा 0 नफी और साइन फाई कॉस फाई, 0 जमा 0 जमा 0 आ जाएगा ये, फिर और साइन स्क्वायर फाई जमा 0 जमा और कॉस स्क्वायर फाई, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं,
आर कॉस स्क्वायर आर साइन स्क्वायर, आर अगर मैं कॉमन निकाल लूं, कॉस स्क्वायर फाई जमा साइन स्क्वायर फाई, जीरो जमा जीरो जीरो हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे आर बचेगा, ये भी जीरो, ये जमा का नफी का आपस में कैंसिल जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ से भी आर हम क्या लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, ये उसी तरीके से साइन स्क्वायर फाई जमा कॉस स्क्वायर फाई। ये देखें मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंगल कुछ भी हो साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर आ जाए तो वन हो जाता है, ये आ जाएगा आर वन जीरो 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 आर जीरो 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 आर इंटू वन, साइन स्क्वायर फाई जमा कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, आर जीरो 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 आर जीरो 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 आर। अब यहाँ से हम आर कॉमन निकाल लेते हैं, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये देखें क्या बन गया आर आई थ्री, मतलब ये आइडेंटिटी आ गई थ्री क्रॉस थ्री की, यही हमने शो करना था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। 1.3 फाइनल हो गई है। अब इसका 1.3 तक जितना हमने पढ़ा है इसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट बनेगा, 10 MCQs होंगे वो आप लोगों ने तैयार करने हैं पिछले पूरे लेक्चर से। ठीक है, खुदा हाफिज़।